Hello and welcome everyone. Today we will understand the concept of two-dimensional array, or it is also called as 2D array in short. It is also known by the name matrix, and it is also called as double subscripted variable. इसे double subscripted variable इसलिए कहा जाता है क्योंकि याद कीजिए अभी तक जो हमने previous topics के अंदर देखा one-dimensional array और उसके ऊपर सभी operations. वन डायमेंशनल एरे को आप सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी कह सकते हैं क्योंकि जब आप वो डिक्लेयर करते हैं तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर केवल एक सिंगल पैरामीटर ही पास करते हैं। यहां पर जब आप टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करेंगे तो आपको दो पैरामीटर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पास करने पड़ेंगे, इसीलिए इसे डबल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर दो सब्सक्रिप्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। सो लाइक वन डायमेंशनल एरे matrices are also stored in contiguous memory locations. आप सबको पता है main memory is linear and the matrix is in the form of a table. अब table को linear main memory में किस तरह से store किया जाए ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपको मालूम है that the main memory is linear. Let us understand the concept कि ये किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले आप assume कीजिए कि आपने two dimensional array इस तरह से declare किया int a of सिंगल सबस्क्रिप्ट के अंदर 3, सेकंड सबस्क्रिप्ट के अंदर 4 सेमीकोलन, यानी कि int a of 3 by 4। इसे डिक्लेयर करने के बाद आप ध्यान दीजिए, there are 3 rows in the matrix. इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो आएंगी, रोज यानी कि स्लीपिंग लाइंस और कॉलम्स यानी कि स्टैंडिंग लाइंस। वेरी इंपॉर्टेंट, द लोअर बाउंड फॉर द रो इज 0 एंड द अपर बाउंड फॉर द रो इज 2। आप याद कीजिए वन डायमेंशनल एरे के अंदर जब हम सिंगल सबस्क्रिप्ट लिखते थे, जैसे कि सिंपली हमने डिक्लेयर किया int a of 10, तो a of 0 से लेकर a of 9 तक पूरी उसकी रेंज आती है। a of 0 is lower bound and a of 9 is upper bound, यानी कि लास्ट लोकेशन। इसी तरह यहां पर दो सबस्क्रिप्ट हैं, तो रो के लिए लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड आएगा, सिमिलरली कॉलम के लिए भी लोअर बाउंड और अपर बाउंड आएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ रोज हमारी 3 है, तो लोअर बाउंड फॉर द रो इज 0 एंड इट्स अपर बाउंड इज 2, दैट इज 3 - 1। सिमिलरली आप यहां पर इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे कि i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1 एंड i इक्वल टू 2। रोज आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल i। इट इज अ जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन, इट इज नॉट कंपल्सरी टू यूज i, यू कैन यूज एनी वेरिएबल। नेक्स्ट इज देर आर 4 कॉलम्स इन द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर 4 कॉलम्स आएंगी, और 4 कॉलम्स आएंगे तो लोअर बाउंड कॉलम का बनेगा 0 और उसका अपर बाउंड बनेगा 3। तो आप देख सकते हैं j की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक आएगी एंड j इज ऑल्सो अ जनरलाइज्ड वेरिएबल, इट इज नॉट कंपल्सरी टू यूज दिस वेरिएबल। पूरी दुनिया में जनरली सब लोग i वेरिएबल रो के लिए इस्तेमाल करते हैं और j वेरिएबल कॉलम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप इसे चेंज कर सकते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी टू यूज दिस टू वेरिएबल्स। एज द मेन मेमोरी इज लीनियर, वी हैव टू मेथड्स फॉर स्टोरिंग एनी मैट्रिक्स इन द मेन मेमोरी। आपकी मेन मेमोरी लीनियर है और मैट्रिक्स टेबुलर फॉर्मेट में है, तो उसे स्टोर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट, रो मेजर ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर स्टोर्ड रो बाय रो। मतलब कि हमें पहले फर्स्ट रो को स्टोर करना है, फिर सेकंड रो को स्टोर किया जाएगा, फिर थर्ड रो को स्टोर किया जाएगा, यानी कि पहले i इक्वल टू 0, फिर i इक्वल टू 1, फिर i इक्वल टू 2। लेट अस सी, आप देख सकते हैं यहां पर i इक्वल टू 0 के लिए आपके एलिमेंट्स आपके सामने आ गए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये क्या इंडिकेट करते हैं। हर एक बॉक्स के अंदर 3 चीजें दी गई हैं। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट बॉक्स के अंदर a ऑफ 0 0। नाउ व्हाट इज 0 0? वो उस एलिमेंट की लोकेशन है। 11 जो बीच में दिया गया है दैट इज द एलिमेंट, यानी कि उसके अंदर जो वैल्यू है, एंड 2000 यानी कि मेन मेमोरी में जिस एड्रेस पर ये एलिमेंट 11 आएगा। सो फर्स्ट इज लोकेशन, सेकंड इज द एलिमेंट एंड द थर्ड थिंग इज एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस इज अनसाइंड इंटीजर। अब सबसे पहले आप देखिए जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है सभी बॉक्सेस का, यानी कि सभी वेरिएबल्स का, जैसे कि a ऑफ 0 0, a ऑफ 0 1, a ऑफ 0 2, a ऑफ 0 3, इसमें 0 कांस्टेंट है क्योंकि हमारी ये फर्स्ट रो है। और आप देख सकते हैं कॉलम यानी कि j वाला इंडेक्स चेंज हो रहा है, j की वैल्यू है 0 1 2 3
3, यानी कि i इज 0, दैट इज कॉन्स्टेंट, एंड j इज इंक्रीमेंटिंग बाय 1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. जब आप सेकेंड रो के अंदर जाते हैं तो सेकेंड रो के लिए i की वैल्यू हो जाती है 1. अब आपका j वापस से इंक्रीमेंट हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यानी कि j is now 0, 1, 2 एंड 3, बट i इज जस्ट 1. सो द लोकेशंस आर a ऑफ 10, a ऑफ 11, a ऑफ 12, a ऑफ 13, बीच में एलिमेंट्स हैं और उनके एड्रेसेस इंक्रीमेंट हो रहे हैं. हर एक एलिमेंट को 2-2 बाइट्स की स्पेस चाहिए, याद कीजिए, क्योंकि हमने एरे डिक्लेयर किया है इंटीजर डेटा टाइप का, इसीलिए हर एक एलिमेंट को 2-2 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई होगी. और आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसे पूरा कंप्लीट करते हैं फिर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं. आप यहां पर देखिए हमारी थर्ड रो आ गई जिसके अंदर आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू वापस से 0 से लेकर 3 तक है, यानी कि ए ऑफ 20, 21, 22 एंड 23, वेयर 2 इज कॉन्स्टेंट, यानी कि आई इज कॉन्स्टेंट, रो इज कॉन्स्टेंट, बट कॉलम इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1, दैट इज इंडेक्स ऑफ अपर बाउंड माइनस 1. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. आप जब मैट्रिक्स डिक्लेयर करते हैं, आपने डिक्लेयर किया आई एन टी ए ऑफ 3/4, सो 3 4s are 12. इसके अंदर 12 एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं. आप मैट्रिक्स में देखिए 12 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये स्पेस कितनी ऑक्यूपाई करेगा, 12 × 2, दैट इज 24 बाइट्स. आपकी मेन मेमोरी में 24 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई होगी, क्योंकि हर एक एलिमेंट 2 बाइट्स का है. तो ये समझना बहुत जरूरी है. लेट अस अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट रो आर स्टोर्ड इन देयर ऑर्डर ऑफ कॉलम्स. ये लाइन बहुत समझने जैसी है. आप पहली रो को देखिए, दूसरी रो को देखिए या तीसरी रो को देखिए, हर एक के अंदर 4 4 4 कॉलम्स हैं. फर्स्ट रो के अंदर 4 कॉलम्स हैं, मींस एवरी रो इज स्टोर्ड इन द ऑर्डर ऑफ इट्स कॉलम. देन द सेकेंड रो इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द ऑर्डर ऑफ इट्स कॉलम एंड द थर्ड रो इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द ऑर्डर ऑफ इट्स कॉलम. मतलब पहले फर्स्ट रो की 4 कॉलम, सेकेंड रो की 4 कॉलम, थर्ड रो की 4 कॉलम, इस तरह से सीक्वेंस में स्टोर किया जाएगा. यानी कि सबसे पहले आएगा a ऑफ 00, फिर आएगा a ऑफ 01, फिर आएगा a ऑफ 02, उसके बाद आएगा a ऑफ 03. इस तरह से हमने 4 एलिमेंट्स स्टोर कर दिए. फिर हम एक इंडिकेटर दे रहे हैं, एक बाउंड्री, जो ये बताती है कि हमारी फर्स्ट रो स्टोर हो गई. मेमोरी में बाउंड्री ऐसी नहीं दिखती है, सिर्फ समझने के लिए यहां पर बताया गया है. नाउ द सेकेंड रो विल स्टार्ट ए ऑफ 10, ए ऑफ 11, देन ए ऑफ 12 एंड देन ए ऑफ 13. इस तरह से आपकी सेकेंड रो स्टोर हो गई. एक और बाउंड्री आपको अज्यूम कर लेनी है सेकेंड रो कंप्लीट होने की, उसके बाद ए ऑफ 20, ए ऑफ 21, ए ऑफ 22 एंड देन लास्ट ए ऑफ 23. ये आपकी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई. तो आप देख सकते हैं आपने एक एक रो बाय रो, रो वाइज एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया. लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी कि सभी एलिमेंट्स इसी तरह से स्टोर हों. आपके पास एक दूसरा तरीका भी है एलिमेंट्स को स्टोर करने का. एक चीज अभी नोट कीजिए, एलिमेंट नंबर फर्स्ट देखिए ए ऑफ 00, उसका एड्रेस है 11, और दूसरा एलिमेंट देखिए ए ऑफ 01, उसका एड्रेस है 2002. ए ऑफ 00 का एड्रेस है 2000, ए ऑफ 01 का एड्रेस है 2002. वेरी इंपॉर्टेंट, एक और एलिमेंट देखिए, ए ऑफ 10 का एड्रेस है 2008. ये तीन चीजें याद रखिए. अब जब हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे तो एलिमेंट्स के एड्रेस चेंज हो जाएंगे. लेट अस अंडरस्टैंड, ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ. We start with the second method. The second method is called as column major order. Elements of the matrix are stored column by column. यानी कि column wise उसे store किया जाता है. Column by column का मतलब है कि पहले आप first column को store करेंगे. अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए diagram के अंदर. First element का address 2000 ही है, यानी कि 11 का address 2000 है. लेकिन a ऑफ 01 का एड्रेस अब 2006 है, और 33 का एड्रेस देखिए, उसका एड्रेस है 2002. चेंज हो गया. कैसे चेंज हुआ आप सोच रहे होंगे, ये तो आपने यहां पर चेंज कर लिया. नहीं,
यहां पर हमें इसे कॉलम वाइज स्टोर करना है। अभी आप मेथड देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये एड्रेस क्यों चेंज हुआ। सबसे पहले आप देखिए, आपका फर्स्ट एलिमेंट ए ऑफ 00 स्टोर होगा, फिर ए ऑफ 10 स्टोर होगा, फिर ए ऑफ 20 स्टोर होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर फर्स्ट इंडेक्स 01 और 2 है, लेकिन सेकेंड इंडेक्स वो कॉन्स्टेंट है, यानी कि 0। ए ऑफ 00, ए ऑफ 10, A of 20, यानी कि I is changing and J is constant। जब हमने रो मेजर ऑर्डर में स्टोर किया था, I was constant but J was changing। Here I is changing but J is constant। This is the only difference। तो हम पहले फर्स्ट कॉलम को मेन मेमोरी में स्टोर करेंगे, फिर सेकेंड कॉलम को, फिर थर्ड कॉलम को और फिर फोर्थ कॉलम को। एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम, A of 01, A of 11, A of 21, थर्ड कॉलम A of 02, A of 12, A of 22, लास्ट कॉलम A of 03, A of 13 एंड A of 23। इस तरह से हमारी सभी कॉलम्स मेन मेमोरी में स्टोर होंगी। लेट अस सी एलिमेंट वाइज ये कैसे रिप्रेजेंट होता है। ऑल द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम आर स्टोर्ड इन देयर ऑर्डर ऑफ रोज। फर्स्ट कॉलम में देखिए तीन रो हैं, सेकेंड कॉलम में भी तीन रो, थर्ड कॉलम में भी तीन रो और फोर्थ कॉलम में भी तीन रो। सो एवरी कॉलम इज स्टोर्ड इन द ऑर्डर ऑफ रोज, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकेंड कॉलम के लिए, देन थर्ड कॉलम के लिए एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। यानी कि सबसे पहले आएगा ए ऑफ 00, फिर आएगा ए ऑफ 10। पहले वाले केस में ए ऑफ 01 आया था रो मेजर ऑर्डर में, तो यहां पर ए ऑफ 10 आएगा, ए ऑफ 20 स्टोर किया जाएगा। इतना काम कंप्लीट होने के बाद एक बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री है जो ये बताती है कि हमारी फर्स्ट कॉलम स्टोर हो गई। नेक्स्ट इज ए ऑफ 01, ए ऑफ 11, ए ऑफ 21, फिर अगेन बाउंड्री आएगी, इमेजिनरी बाउंड्री, देन ए ऑफ 02, ए ऑफ 12, देन ए ऑफ 22। इस तरह से हमारी थर्ड कॉलम स्टोर हो गई, देन सिमिलरली इमेजिनरी बाउंड्री आई, एंड फोर्थ कॉलम के लिए ए ऑफ 03, ए ऑफ 13 एंड देन ए ऑफ 23 को मेन मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने टोटल चार कॉलम्स को स्टोर किया, यानी कि कॉलम वाइज इसे स्टोर किया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉलम मेजर ऑर्डर। सो वी हैव टू मेथड्स, रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, प्लीज ध्यान दीजिए, इस पूरे मैट्रिक्स को जब भी हमने मेन मेमोरी में स्टोर किया, चाहे रो मेजर ऑर्डर के हिसाब से चाहे कॉलम मेजर ऑर्डर के हिसाब से, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का एड्रेस सेम आता है। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का एड्रेस दोनों मेथड से सेम मिलेगा, लेकिन बीच के सभी एलिमेंट्स का एड्रेस रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर दोनों में अलग मिलेगा कंपलसरी। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए, रो मेजर ऑर्डर में आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे कि 35 है, 25 है, 77 है, सबका आपको एड्रेस अलग मिलेगा। इंडेक्स सेम ही होगा क्योंकि इंडेक्स यानी कि लोकेशन, लेकिन एड्रेस अलग है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ओनली एक्सेप्शन इज दैट जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। फॉर एग्जाम्पल, आप 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं तो बीच में आपको एक एलिमेंट मिलेगा ए ऑफ 11। अगर आप 5x5 का मैट्रिक्स लेते हैं तो आपको एक बीच में एलिमेंट मिलेगा ए ऑफ 22। उस केस में आपके तीन एलिमेंट ऐसे होंगे जिसका एड्रेस सेम होगा, फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट एंड मिडल एलिमेंट। आप चाहे रो मेजर ऑर्डर से स्टोर कीजिए, चाहे कॉलम मेजर ऑर्डर से स्टोर कीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर तीन एलिमेंट का एड्रेस सेम होता है। बाकी सभी मैट्राइसिस के अंदर केवल फर्स्ट और लास्ट यानी कि दो एलिमेंट का एड्रेस सेम होता है, बाकी सबका एड्रेस अलग होता है। तो ये है इंट्रोडक्शन अबाउट टू डायमेंशनल एरे। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है, जैसे हमने वन डायमेंशनल एरे में कैलकुलेट किया था। प्लीज सी दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।